बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं निस्बर का एटॉमिक मॉडल, उसके बाद डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बहुत आसान है, चीजें समझने का प्रयास करते देखिए। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, क्वांटम फिजिक्स से बहुत बड़े जानकार थे, और हुआ क्या याद रखना कि नॉर्मली एक चुटकुला उनके लिए बड़ा प्रसिद्ध, क्योंकि पहाड़ क्षेत्र में बहुत तेजी से जा रहा था, बहुत तेजी से जा रहा था। एक पुलिस वाला उन्हें रोक दिया और रोक के पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा एकदम स्पीड बहुत ज़्यादा था। तो हाइजेनबर्ग बोले कब, तो बोले कि वो टीला के पास था तब। तो बोले कि गलत है, क्योंकि एक ही समय याद रखना है, एक ही समय किसी भी जो बहुत जो स्पीड से जा रहा है उसका आप स्थिति नहीं बता सकते। अगर आप स्थिति बताएगा तो फिर वो स्पीड से नहीं जा रहा है। कुछ है समझ में नहीं आया, अब समझिए। नॉर्मल समझिए कि मूवी देखते हैं, सीढ़ी चला दीजिए, सीढ़ी चला दीजिए, कोई बहुत स्पीड से दौड़ा है, बहुत स्पीड से दौड़ा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ा है, आप उसे पॉज कीजिए। एक खास एक सिचुएशन सोच लीजिए कि जैसे रामगढ़ मूवी देखें शोले, अरे वो शाम था देखें, और मान लीजिए गब्बर सिंह दौड़ के भाग रहा है। अब मान लीजिए कि बहुत स्पीड कर दीजिए, दो गुना होता है ना, मतलब अगर नेक्स्ट प्ले पर चलेगा तो कई गुना हो जाता है, चार गुना स्पीड हो जाता है, चार गुना स्पीड कर दीजिए। और आप ऐसा सोच लीजिए कि एक टीला, जब भी एक पहाड़ का टीला है वहाँ से गब्बर सिंह जब पास करेगा तो हम मुझे स्टॉप कर देना है। आप करके देखिए, नहीं होगा। छोटे छोटे जो कभी रील्स वगैरह देखते हैं मोबाइल में, रील्स अब बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो चलिए बनते हैं। तो मान लीजिए उसमें एक होता है क्या कि खाली ऐसे होगा मुंडी और एक चेहरा गुजरेगा बगल से, और आपको उसके चेहरा पे क्या हो करना है कि आपको टिप करके और याद रखें चेहरा पे चेहरा सेट करना है। अगर आप ऐसा कर दें तो फिर आप विजेता हो जाते हैं। तो ऐसा कीजिएगा तो लगभग लगभग संभावना है कि नहीं आप कर पाइएगा, कभी कभी इत्तेफाक से हो जाए। हाइजेनबर्ग बोले कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एग्जैक्ट किसी का लोकेशन और स्पीड बता दें। याद रखिए लोकेशन और स्पीड, स्पीड सही वर्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा मोमेंटम, बता दें। और ऐसा उन्होंने कब कहा, उन्होंने कहा याद रखना है, जैसे मान लीजिए एटम है, ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ कक्षाएँ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रही है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रही, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रही, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रही है, अरे समझ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रही है। उन्होंने कहा कि याद रखना, नील्स बोर ने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन का हम स्थिति ही बता देंगे, इलेक्ट्रॉन का हम पोजीशन ही बता देंगे, पोजीशन ही बता देंगे, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी बता देंगे, संवेग भी बता देंगे। इन्होंने कहा याद रखो, मान लो कि मान लो इलेक्ट्रॉन है और इसका पोजीशन है एक्स, मतलब पोजीशन तो क्योंकि फिक्स रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं रहता, इसलिए डेल्टा एक्स, क्योंकि इसका पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स। मान लो इसका मोमेंटम डेल्टा पी, मोमेंटम भी चेंज, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रॉन का वेग चेंज होगा, अरे समझ डेल्टा पी। तो अगर कहें कि अगर मान लीजिए कि आप जो समझिए इस बात को, स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर स्थिति कुछ निकालें, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, संवेग कुछ निकालें, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, याद रखना जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा जनरली, वो जो आएगा उसमें आप गलती जरूर कीजिएगा, सही नहीं कीजिएगा। तो क्या गलती, गलती जैसे दिमाग में आता है कितना गलती, गलती क्यों करेंगे, क्यों करेंगे वो बताएंगे, कितना गलती कीजिएगा यह जनरल बता देंगे। और गलती कितना कीजिएगा, तो गलती कीजिएगा आप एच बटा फोर पाए, कम से कम इतना गलती कीजिएगा, कम से कम इतना गलती आप जरूर कीजिएगा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा गलती भी कर दें, लेकिन कम से कम इतना गलती जरूर कीजिएगा। समझिए इस बात को, पूरा फाइनल हो गया। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एंड सीम्स टू एच बटा फोर, यानी साफ साफ है कि ये क्या है, पोजीशन है, ये क्या है, मोमेंटम है, ये पोजीशन है, मोमेंटम है। और कम से कम इसमें आप इतनी गलती आप जरूर कीजिएगा, कम से कम इसमें आप इतनी गलती जरूर कीजिएगा, एच बटा फोर पाई गलती जरूर कीजिएगा, इससे ज़्यादा, देखिए ये क्या करें, इससे ज़्यादा भी गलती हो सकता है, क्लियर है।
अब इसको थोड़ा सा और हम क्लियर देखते हैं बातें और क्लियर हो जाएगी। क्लियर बातें समझिए कि मतलब देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी अगर इसे हम लिखें ऐसे तो लिख सकते हैं ऐसे बराबर एच बटा फोर पाई और डेल्टा पी को उधर भेज दें। डेल्टा पी का क्या मतलब होता है? मुझे लगता है डेल्टा पी का मतलब होता है एम वी। समझिए इस बात को, अब समझिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं क्योंकि देखिए मैं इसे ज़्यादा ऐसे क्लियर कर देता हूँ ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को क्या कहा जा सकता है? डेल्टा एम वी, ठीक है, बराबर या ग्रेटर देन या बराबर एच बटा फोर पाई। अगर हम यहाँ से क्लियर करें एम वी को हटाने का कोशिश करें तो ऐसा करता हूँ एम को हटा देता हूँ, एम को नीचे ले जाता हूँ। क्यों ले गया बताता हूँ, क्योंकि एम इलेक्ट्रॉन का मास है जो काफ़ी कम है, तो कम है तो मास अगर काफ़ी कम होगा, यहाँ से लग रहा है देखिए मास अगर कम होगा तो देख लीजिए वेग है, वेग अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिलेशन देख लीजिए उल्टा है, वेग अपने आप क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वेग बढ़ जाएगा तो याद रखिए बताइए इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, जिसका मास बहुत कम है, मास बहुत कम है उसका वेग तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वेग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या स्थिति आप देख पाइएगा क्या? देखिए ना साउथ का जो हीरो है, साउथ का हीरो आता है एक बार धुंधुना के 25-30 तरफ से चारों तरफ से होता है, चार तरफ देखिए 25-30 तरफ मारता है और मार के विषम एकदम पूरा गर्दा चारों तरफ पूरा दिया, आपको पता नहीं चलेगा, तिल मिला जाएगा आप देख नहीं पाएगा आप ना, हाँ तो मोमेंटम पता चलेगा ना स्थिति पता चलेगा। पहला बार याद रखना हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट का पालन कर रहा है, हालांकि साउथ वाले फिजिक्स वगैरह के कुछ को नहीं मानते हैं, ठीक है, पूरा एकदम न्यूटन के नियम के खिलाफ, फिजिक्स के रूल के खिलाफ, नेचर के खिलाफ सारा काम करते एक्शन में। यहाँ देखिए हालांकि तो बॉलीवुड में भी चीज़ें आती थी, अब समझिए तो यहाँ यह है कि अगर किसी का मास बहुत कम होगा, मास बहुत कम होगा तो उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो उसका पोजीशन आप ऐसे ही नहीं बता पाइएगा, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी का पोजीशन नहीं बता सकते हैं। और क्लियर? जब तक लास्ट तक नहीं देखेगा कंप्लीट नहीं बातें। और याद रखिए वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, मास कम है तो वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, तो बताइए वेलोसिटी जो हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है, तब बताइए क्या मोमेंटम बता सकते हैं क्या? सच बताऊं तो दोनों बता सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि अगर आप पोजीशन बताइएगा तो फिर मोमेंटम गलत कर दीजिएगा, और मोमेंटम बताइएगा तो पोजीशन गलत कर दीजिएगा, दोनों एक साथ आप नहीं बता सकते, दोनों एक साथ आप नहीं बता सकते हैं, यही बात हाइजेनबर्ग बोले थे। बस क्यों नहीं बता सकते चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि देखिए ना अगर पोजीशन बताते हैं, पोजीशन की वहाँ हो वहाँ एकदम खास पोजीशन पर, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन चक्र काट रहे हैं यहाँ, तो इस बिंदु पर बताएं पी बिंदु पर बताएं पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पी बिंदु पर पोजीशन बताया तब तक याद रखिए उसका वेग चेंज होगा, वेग चेंज होगा तो याद वेग चेंज होगा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो किसी खास बिंदु पर आप न तो पोजीशन बता सकते, एक साथ पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, यही बात है जिंदगी बातें समझ में आ रहा है। अब यही बात और आप याद कीजिए नील्स बोहर ने क्या किया था, वो पोजीशन ही बता दिए थे, इलेक्ट्रॉन की एक्जैक्ट पोजीशन बता दिए थे और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बताए थे, क्योंकि मोमेंटम बराबर पी बराबर एम भी, मास भी इलेक्ट्रॉन का पता आपको और वेलोसिटी पता है, तो इसलिए याद रखना कि डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट दोनों के कॉन्सेप्ट के खिलाफ नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल, इसलिए नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल गलत हो जाता है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए ये बात हमारा कंप्लीट होगा, अगले क्लास में देखेंगे नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल की खामियां क्या क्या हैं, एक साथ देखेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अगले प्रॉब्लम में मिलेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद जय भारत।